नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 21 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे सभी व्यूअर के लिए अहम सूचना। अगर आप रोजगार की तलाश में बैठे हैं और आपको रोजगार से जुड़े समाचार की तलाश है तो आप हमारे YouTube चैनल GOV PVT को सब्सक्राइब करें। ज्ञात हो हमारे चैनल पर आपको डेली प्राइवेट से लेकर सरकारी नौकरी की ताजा जानकारी मिलेगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चले बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। BSEB DLED फेस टू फेस परीक्षा 2022 के आवेदन की बढ़ी अंतिम तारीख। नगर योजना के तहत छूटे इलाकों के सर्वे का काम हुआ। बिहार में किसान की जमीन से संबंधित रिकॉर्ड जानने के लिए जारी हुआ विशेष। बिहार में GST रिटर्न नहीं भरने वालों के खिलाफ एक्शन लेगी सरकार। दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवार को 15 सितंबर से मिलेगा नया मुआवजा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली रिक्तियां। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के कुल मिलाकर 988 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 2 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से जाकर ले सकते हैं। DLED फेस टू फेस परीक्षा 2022 के आवेदन की बढ़ी अंतिम तारीख। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फेस टू फेस प्रशिक्षण सत्र 2020-22 के प्रथम वर्ष और प्रशिक्षण सत्र 2019-21 के द्वितीय वर्ष के सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अभ्यर्थी अब बिना विलम्ब शुल्क के 24 अगस्त तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, जिसके तहत अब उम्मीदवार BSEB की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ज्ञात हो बिहार बोर्ड ने इससे पहले बिना विलंब शुल्क के परीक्षा आवेदन पत्र भरने और परीक्षा शुल्क जमा करने की तारीख 9 अगस्त 2021 से 19 अगस्त 2021 तक निर्धारित की थी। अब विशेष सशस्त्र पुलिस बल के हाथों में होगी संवेदनशील बूथों की कमान। कोरोना और बाढ़ के माहौल के बीच पंचायत चुनाव का आयोजन कैसे हो, इसको लेकर अब तक कई नियमों को लागू कर दिया गया है। इसी बीच अब पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसके तहत आगामी पंचायत चुनाव में बूथों पर बहाल की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी सामने आई है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव का आयोजन सुरक्षित हो इसके लिए विशेष सशस्त्र पुलिस बल के हाथ में संवेदनशील बूथ की जिम्मेदारी सौंपने की बात कही है। ज्ञात हो विशेष सशस्त्र पुलिस के गठन के बाद यह पहला मौका है जब उसे किसी चुनाव आयोजन में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। इतना ही नहीं, बूथों पर सशस्त्र बलों की केवल तैनाती ही नहीं होगी बल्कि इन्हें अतिरिक्त अधिकार भी दिया जाएगा। योजना के तहत छूटे इलाकों के सर्वे का काम हुआ शुरू। बिहार में नल जल योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बिहार सरकार को मिली जानकारी के अनुसार बिहार के अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस योजना का लाभ नहीं पहुंच सका है। सरकार अब ऐसे इलाकों के सर्वे का काम शुरू करवाने वाली है। सरकारी जानकारों की माने तो अभी तक लगभग 99% से अधिक इलाकों में नल जल योजना के तहत काम पूरा कर लिया गया है। इसके बावजूद इस योजना के तहत छूटे इलाकों को चिन्हित करने का काम PHED एवं पंचायती राज विभाग के माध्यम से शुरू किया जा रहा है। ज्ञात हो नल जल योजना के तहत 1,72,20,000 परिवारों को शुद्ध नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसमें से 1,63,500 से अधिक परिवारों को नल से शुद्ध पानी पहुंचा दिया गया है। जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले के मौसम का हाल। IMD पटना द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में आज कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी कुछ ही जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में भी आज अधिकतर जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ ही स्थानों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय जिले के कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के जिलों के अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। किचन का जायजा लेने पहुंचे डिप्टी CM तारकिशोर।
इन दिनों बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने की जुगत में बिहार सरकार जुट गई है। राहत शिविर के तहत अलग अलग जिलों में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए कम्युनिटी किचन भी बनाए गए हैं, जिसका जायजा लेने ही उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बीते दिन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खगड़िया जिले में बनाए गए कम्युनिटी किचन का जायजा लिया, साथ ही मीडिया से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए बिहार सरकार ने सराहनीय काम किया है। सरकार की यही कोशिश है कि बाढ़ में फंसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचाया जा सके। आज बिहारी पहचान में पुण्यतिथि के मौके पर हम बात करेंगे बिस्मिल्लाह खान की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। उनका जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक बार की बात है जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अमेरिका से बुलावा आया कि आप यहीं पर बस जाओ, हम आपको सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, तो उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि यहाँ गंगा है, यहाँ काशी है, यहाँ बालाजी का मंदिर है, यहाँ से जाना मतलब इन सभी से बिछड़ जाना, जिसके कारण उन्हें इस प्रस्ताव को उन्होंने इनकार कर दिया था, जो कि उनके देश प्रेम को भी दर्शाती है कि वो अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। वहीं उन्होंने आखिरी सांस आज ही के दिन ली थी। दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवार को 15 सितंबर से मिलेगी नए मुआवजा। बिहार में मोटर वाहन दुर्घटना को लेकर नियमों में कई बदलाव किए जा रहे हैं, जो कि 15 सितंबर से लागू होने वाले हैं, जिसके तहत 15 तारीख से मोटर वाहन दुर्घटना में जान गंवाने वालों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं दुर्घटना में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए का मुआवजा देगी। और वहीं इस बाबत परिवहन सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। इसमें मोटर वाहन दुर्घटना को लेकर मुआवजा भुगतान का आदेश दिया गया है। इसके लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है, जिससे पीड़ितों और उनके परिजनों को मुआवजा मिलने में देरी नहीं हो पाए। पटना हाईकोर्ट के आदेश के साथ ही बीपीएससी को लगेगा बड़ा झटका। बीते दिन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को रद्द करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान पटना हाईकोर्ट की तरफ से अनामिका आशना और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस चक्रधारी एस सिंह ने सुनवाई की और साफ कहा है कि इनकी उम्मीदवारी इस आधार पर रद्द नहीं की जा सकती कि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी सर्टिफिकेट को पेश नहीं कर सके। कोर्ट ने साफ किया है कि जैसा कि साक्षात्कार पत्र में कहा गया है कि साक्षात्कार के बाद भी यह निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है कि कोई उम्मीदवार अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता रखता है या नहीं। ऐसी स्थिति में आयोग यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि याचिकाकर्ता बीटेक की योग्यता आवेदन की अंतिम तारीख को रखता है या नहीं। मुखिया सरपंच चुनाव में इन महिलाओं को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना जारी होने में अब बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच अब चुनाव को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसके तहत किन महिलाओं को पंचायत चुनाव में महिलाओं के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, इस बात का खुलासा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार नेपाल से जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आयोग की तरफ से मिली जानकारी को देखें तो किसी भी महिला की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति से होता है। पिता नेपाली है और उसके बेटी की शादी भारत में हुई है, तो उस पर आरक्षण का दावा नहीं बनता है। बिहार में किसान की जमीन से संबंधित रिकॉर्ड जानने के लिए जारी हुआ विशेष पोर्टल। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हाल ही में किसानों के लिए खरीदी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए विभागीय पोर्टल को तैयार किया है। इस नए पोर्टल पर रैयत और गैर रैयत किसानों को खेती की भूमि से संबंधित जानकारी अपडेट करनी होगी। ज्ञात हो यह बिहार में पहली बार होने जा रहा है जब रैयत और गैर रैयत किसानों को खेती की भूमि से संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। राज्य एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार फर्जी किसानों को समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीदी से पूरी तरह दूर करने की यह रणनीति बनाई गई है। इस बाबत बिहार सरकार ने एक गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसके तहत सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसान इस बार ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भूमि संबंधी जानकारी जरूर ले। भारत ने नेपाल के साथ निभाया पड़ोसी होने का धर्म। कहते हैं बिहार और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है। वहीं भारत का पड़ोसी होने के नाते नेपाल के साथ रिश्ता निभाना लाजमी है, लेकिन समय समय पर नेपाल ने अपनी असलियत दिखाई है और भारत का विरोध किया है, लेकिन भारत को अपने पड़ोसी धर्म अच्छे से याद है। यही कारण है कि बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की मदद के लिए भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, जिसके तहत पटना से नेपाल के लिए 28 ट्रक बाढ़ राहत सामान भेजे गए हैं। इन ट्रकों के जरिए फैमिली रिज टेंट, प्लास्टिक शीट, सिंथेटिक स्लीपिंग मैट सहित दूसरे जरूरी सामान भेजे गए हैं। ट्रकों के जरिए सामान भेजने की पूरी प्रक्रिया पटना के बेहटा स्थित एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन ने किया। भारत के इस कदम से उम्मीद यही जताई जा रही है कि इससे दोनों देश के संबंध अच्छे होंगे।
इंटर दाखिले की चयन सूची हुई जारी। इंटर में नामांकन लेने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना। राज्य भर में इंटर स्कूल और कॉलेज में 11वीं में दाखिला के लिए पहली चयन सूची शुक्रवार को जारी कर दी गई है, जिसमें लगभग 3 लाख अधिक छात्र छात्राओं के नाम सूची में शामिल है। पहली चयन सूची में जिन विद्यार्थियों के नाम को शामिल किया गया है, वो अब आवंटित कॉलेज या स्कूल में नामांकन ले पाएंगे। बोर्ड की तरफ से सभी स्कूल और कॉलेज के अनुसार कट ऑफ भी जारी किया गया है। छात्र OFSS यानी कि ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट वेबसाइट पर जाकर कॉलेज और स्कूल वार कट ऑफ देख सकते हैं। चुनाव में प्रत्येक चरण में कम से कम 50 से 55 प्रखंड में कराया जाएगा मतदान। पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। 24 अगस्त को चुनाव की विधिवत अधिसूचना जारी होने के साथ ही 6 अलग अलग पदों के लिए प्रत्याशियों का नामांकन शुरू हो जाएगा। इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 11 चरणों में होने वाले चुनाव के दौरान प्रत्येक चरण में कम से कम 50 से 55 प्रखंड में मतदान की योजना बना जा रही है। प्रत्येक चरण में प्रत्येक पद के लिए वोट डाले जाएंगे। आयोग अपने फैसले पर सहमति बना रहा है। इसके साथ ही आयोग चुनाव के लिए ईवीएम मूवमेंट प्लान भी बना रहा है। बिहार में मिले कोविड-19 के 10 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 11 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 168 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, ईस्ट चंपारण में 1, नालंदा में 2, पटना में 4, समस्तीपुर में 1, सारण में 1, वैशाली में 1 मामले की पुष्टि हुई है। वहीं अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वेस्ट चंपारण में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,51,400 सैंपल की जाँच हुई। वहीं 21 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे। सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिया तोहफा। नीतीश सरकार ने बिहार में काम करने वाले अपने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव राम ईश्वर ने राज्य कर्मी एवं उनके आश्रितों के चिकित्सक खर्च की प्रतिपूर्ति को लेकर विभिन्न स्तरों पर दिए गए शक्ति में संशोधन का संकल्प जारी कर दिया है, जिसके तहत अब बिहार के 4.5 लाख कर्मी अपने और आश्रितों के इलाज पर अब 10 लाख रुपए तक का खर्च आसानी से कर सकेंगे। इसको लेकर उन्हें सिर्फ विभागीय स्तर से मंजूरी लेनी होगी और इलाज पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। इससे ज्यादा के खर्च के लिए उन्हें वित्त विभाग से हालांकि सहमति लेनी होगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मिले बिहार भाजपा सांसद विवेक ठाकुर। बीते दिन बिहार भाजपा से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। इस दौरान उनकी यह बैठक लगभग 30 मिनट तक चली, जहां पर इन दोनों ने प्रस्तावित बिहटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण आधारित प्रगति, भूमि अधिग्रहण में आ रही बाधाओं और अन्य समस्याओं की विस्तृत चर्चा की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आश्वासन दिया है कि बिहटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण में आ रही बाधाओं को जल्द दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण से बिहार के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। ज्ञात हो, इस एयरपोर्ट के लिए बिहार सरकार से पहले 108 एकड़ जमीन मिली थी, जिस पर बाउंड्री का काम पूरा हो चुका है। वहीं अब रनवे विस्तार के लिए जमीन मिलने का इंतजार है। राखी से पहले रोहिणी ने दिया तेज प्रताप को सफलता का मंत्र। इन दिनों राजद पार्टी में भारी बवाल देखने को मिल रहा है, जिसके तहत सरकार के गिरने का दावा करने वाली राजद अभी खुद को ही समेटने में लगी हुई है, लेकिन तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह का गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच दो भाइयों के बीच छिड़ी जंग को लेकर बहन रोहिणी ने बातों ही बातों में तेज प्रताप यादव को सफलता का मंत्र दिया है, जिसके तहत बीते दिन रोहिणी ने अपना ट्वीट जारी करते हुए लिखा कि सफलता की मंजिल पानी है, अनुशासन और संयम को अपनाना है। रोहिणी ने आगे लिखा, अनुशासन जीवन की वो कुंजी है, सफलता इसके बिना अधूरी है। जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वालों के खिलाफ एक्शन लेगी सरकार। बिहार में रेगुलर रिटर्न दायर नहीं करने वालों की शिकायत लगातार आती रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में केंद्र और स्टेट जीएसटी के अंतर्गत निबंधित व्यापारियों की करीब संख्या जो है वो 6.25 लाख बताई गई है, लेकिन इनमें से ऐसे व्यापारी जो रेगुलर रिटर्न दायर नहीं करते हैं उनकी संख्या करीब 2 लाख है। मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में बैंक और अन्य योजनाओं के अंतर्गत लोन लेने के लिए व्यापारियों को जीएसटी नंबर लेना होता है। इस वजह से बड़ी संख्या में व्यापारी सिर्फ जीएसटी नंबर इसी कारण से ले लेते हैं ताकि वो लोन ले सके, बाद में वो जीएसटी रिटर्न दायर ही नहीं करते। इसको लेकर राज्य सरकार केंद्रीय जीएसटी काउंसिल को प्रस्ताव भेजने जा रही है। तेज
तेज प्रताप की नहीं हुई तेजस्वी से मुलाकात। राजद में जारी पारिवारिक खींचतान के बीच बीते दिन तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे। हालांकि इन दोनों के बीच यह मुलाकात हुई ही नहीं, जिसके बाद तेज प्रताप यादव को बिना बात किए ही खाली हाथ लौटना पड़ा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जगदानंद सिंह की तरफ से राजद युवा अध्यक्ष आकाश यादव को हटाए जाने पर तेज प्रताप यादव का गुस्सा फूटा है। यही कारण है कि तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह की लड़ाई के कारण राजद परिवार में भी परेशानी का माहौल बढ़ गया है। वहीं अब तेज प्रताप यादव भी आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी ने राजद में सब कुछ ठीक होने की बात कही है। जदयू ने एक तीर से साधा दो दो निशाना। जदयू में मिलन समारोह का सिलसिला जारी है। यही कारण है कि बीते दिन जदयू ने एक तीर से हम और भाजपा दोनों को झटका दिया है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सेनाधारी यादव ने जदयू की सदस्यता ली, वहीं हम के सत्यनारायण शर्मा ने भी सदस्यता ग्रहण की। जदयू में शामिल होने वाले दोनों नेता नीतीश कुमार के प्रति उन्होंने आस्था भी जताई है। सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार ने आरंभ से ही अनुसूचित जाति जनजाति के मुद्दे पर साहसिक फैसला लिया है। इन दोनों को जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जदयू की सदस्यता दिलवाई। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। बांग्लादेश और भारत की सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बीच 2005 में संघर्ष विराम का समझौता संपन्न हुआ। भारतीय नौसेना का लड़ाकू विमान सी हैरियर 2009 में गोवा से उड़ान भरने के पश्चात अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान चालक ले कमांडर सौरभ सक्सेना इस दौरान अपनी जान गंवा चुके थे। भारतीय अभिनेत्री भूमिका चावला का जन्म 1978 में आज के दिन हुआ। स्वतंत्रता सेनानी समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी का जन्म 1927 को आज के दिन हुआ था। खगोल भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का निधन 1995 को आज के दिन हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान का निधन 2006 में आज के दिन हुआ था। इस मामले में टॉप पर है ऋषभ पंत। बीते कुछ सालों से ऋषभ पंत ने अपने नाम कई कीर्तिमान को दर्ज किया है। वहीं ऋषभ ने अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी किया है। साल 2020 से अब तक 12 टेस्ट मैचों की 20 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने 733 रन बनाए हैं, जो भारतीय बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा है। बीते कुछ सालों में ऋषभ पंत ने विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी में गजब का सुधार लाया है। आप 2020 से पहले पंत को देखें और आज अंतर साफ दिखता है। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर ऋषभ पंत ने मुश्किल समय में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर टीम को जीत दिलाई। इसके बाद इंग्लिश टीम पर कहर बनकर टूटे थे। भारत में जहां पिच काफी टर्निंग वाली रहती थी, ऋषभ पंत ने ग्लव से बेहतरीन काम किया और पूरी दुनिया ने पंत का लोहा माना। साल 2020 से अब तक 12 टेस्ट मैचों की 20 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने 733 रन बनाए हैं, जो भारतीय बल्लेबाज के सबसे ज्यादा है। किया वर्चुअल रियलिटी रिमोट वर्क ऐप लॉन्च। अभी भी कई लोग घर से ही काम करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वहीं अपने यूजर के डिमांड को देखते हुए फेसबुक ने रिमोट वर्क ऐप को पेश किया है, जिसका नाम होराइजन वर्क रूम्स ऐप है। सबसे खास बात यह है कि इस एप्लीकेशन में यूजर ऑक्यूलस क्वेस्ट 2 डिवाइस के जरिए फेसबुक अवतार के रूप में किसी भी वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। इतना ही नहीं, इस नए एप्लीकेशन के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में यूजर को घर बैठे आम ऑफिस मीटिंग का अनुभव मिलेगा। फिलहाल इस एप्लीकेशन की टेस्टिंग की जा रही है। आते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 20 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,550 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,750 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,200 रुपए था। इसके अलावा अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 104.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 95.51 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मितीश प्रेमी, दशरथ प्रसाद, बिदुर कुमार, राजा कुमार, बंटी कुमार, रामू कुमार, विकास कुमार, उत्तम शर्मा, सोनू कुमार, सचिन कुमार, शशि भूषण, अमित कुमार, गुड्डू कुमार, सतेंद्र कुमार, कुंदन कुमार, आनंद सिंह, सुधीर कुमार, बबलू यादव, रंजीत कुमार, अमन कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार को बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।